नमस्ते एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। वी आर रीडिंग द पोएम माय लास्ट डचेस, पेंड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। इन अवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव read some stanzas with their Hindi meaning or English explanation. We have read that the Duke Alfonso II gets murdered her wife. An envoy comes with the wedding proposal. The Duke takes him to the palace gallery and shows him a picture, a portrait of her late wife. He tells or discuss the quality of her late wife. Meanwhile, they are discussing a wedding proposal. He reveals some qualities of her late wife. He removes the curtain from the picture and shows him it and tells some qualities. When he was telling him qualities of her late wife, the messenger seemed to ask a question about the beauty and the redness of the picture. The Duke tells him that due to the beauty of her wife, he gets the picture done by a monk. Monk named Friar Pandolf. Friar Pandolf was a monk. He was an imaginary artist. In this context, Alfonso II tells some reason of the redness which is on the cheeks of Duchess. He tells him that is not because of my presence, but there are so many reasons of the happiness and the redness on her cheek. Her heart was very simple, so simple that every simple things made her happy. In this context, he talks of so many things. As a picture shows that her behavior is very moderate, very simple and quite calm. She needs not some important things to be happy, some important person in her life to be happy.
she becomes happy with all ordinary things. हमने पिछले स्टेंजाज में इन सब के बारे में बातचीत की थी. अब हम आगे की बात करें तो आगे जो नेक्स्ट लाइन्स हैं उनमें जो डच है, ड्यूक है सॉरी, वो क्या बतलाता है उसके लिए देखें. पहले वर्ड मीनिंग देखें फिर इसका एक्सप्लेन करेंगे. शर इट वॉज ऑल वन. श्रीमान सर इज एड्रेस टू द मैसेंजर, आई मीन टू से एनवॉय. इट वॉज ऑल वन माई फेवर एट हर ब्रीस्ट. माई फेवर एट हर ब्रीस्ट इसका मतलब है माई फेवर हेयर मीन्स ऑर्नामेंट और ज्वेलरी. एट हर ब्रीस्ट, ऑन हर नेक. देखो उसका बर्ड मीनिंग अगर करें तो माय फेवर का यहां आशय है ऑर्नामेंट से है. एट हर ब्रीस्ट का आशय है उसकी गर्दन में है, ज्वेलरी से है. ड्रॉपिंग ऑफ द डे, ड्रॉपिंग ऑफ द डे सेटिंग द सन. दिन का अंत कब होता है, डे लाइट का अंत कब होता है, जब सूर्यास्त होता है. बॉ ऑफ चेरीज ए काइंड ऑफ फ्रूट, ए काइंड ऑफ फ्रूट. बॉ का मीन्स यहां बंच है और यू कैन से ब्रांच. सम ऑफिशियल फूल, ऑफिशियल फूल मीन्स साइकोफेंट. ऑफिशियल मीन्स साइकोफेंट. साइकोफेंट मीन्स फ्लैटरर. ब्रॉक इन द ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड मीन्स फ्रूट गार्डन. फोर आर द व्हाइट म्यूल, सी रोड विद द राउंड, द टेरिस ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक अप्रूविंग स्पीच. एडमिरेशन इट इज. ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है इसमें. देखें इट वॉज ऑल वन. देखो माई फेवर एट हर ब्रीस्ट से क्या मतलब है इसको समझने की कोशिश करें. माई फेवर का एट हर ब्रीस्ट का मतलब है मेरे द्वारा दिए गए आभूषण जो उसके वक्षस्थल, जो उसके गर्दन, उसके सीने की, छाती की शोभा बढ़ाते हैं. ओके, द ऑर्नामेंट्स विच बिकम्स हर. अभी मैंने बोला था विच बिकम्स हर. इस प्रकार का जो बिकम का यूज है बहुत रेयर होता है. आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. देखिए थोड़ा सा इसके बारे में आ गया तो समझ लेते हैं. बिकम का मतलब है जैसे आप कभी कभी कहते हो जैसे कि ये जो कैप है ये तुम पर बहुत जचती है. तो ऑर्डिनरी इंग्लिश अगर आप उसको बनाओगे, एक साधारण स्टूडेंट जब एक उसे बनाएगा, एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट, तो बनाएगा दिस कैप सूट्स यू. बट एक इंग्लिश पढ़ा हुआ छात्र, ए लिटरेचर स्टूडेंट, शुड ट्रांसलेट दिस सेंटेंस दैट दिस कैप बिकम्स यू. इस प्रकार का बिकम का यूज होता है. दैट इज द टर्म ऑफ ग्रामर. देखिए सर इट वॉज ऑल वन माई फेवर एट हर ब्रिस्ट. मैं समझता हूं माई फेवर ऑफ एट हर ब्रिस्ट का मतलब समझ में आया होगा. वो आभूषण, ज्वेलरीज जो मेरे द्वारा उसको दी गई हैं, जिनसे उसकी शोभा बढ़ती है. द ड्रॉपिंग ऑफ द डे
द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट पश्चिम में इन द वेस्ट पश्चिम में छिपता हुआ सूरज ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट डे लाइट का अवशान होता हुआ पश्चिम दिशा में बो ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल्स ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर फॉर हर यहां से देखिए फॉर हर उसके लिए ब्रोक इन द ऑर्चर्ड एक बगीचे में से लाया हुआ ए बो ऑफ चेरीज चेरीज के फ्रूट्स का एक गुच्छा ब्रांच उसकी सम ऑफिशियस फूल किसी ऑफिशियस साइकोफेंट फ्लैटरर यानी कि एक मूर्ख चापलूस के द्वारा ऑफिशियस फुलिस फुलवियर फुलिस स्टूपिड पर्सन देखो उसको क्या क्या इट इज ऑल वन उसके लिए ये सब एक जैसे हैं ये ही ड्यूक की प्रॉब्लम है बस ये दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू ड्यूक टू मेक मीनिंग सेम विद टू डिसिमिलर दिस सिमिलर थिंग्स दैट इज द रीजन ऑफ इज जेलसी दैट इन द व्यू इन द ओपिनियन ऑफ डचेस ए ज्वेलरी एंड ए फ्लावर हैव सेम मीनिंग सेम प्राइस सेम वर्थ यही सबसे बड़ी इसकी समस्या है क्या समस्या है कि ये एक सोने के आभूषण को और एक पुष्प को बराबर समझ लेती है और दोनों से समान रूप से प्रसन्न हो जाती है इसमें देखो सर श्रीमान इट वाज ऑल वन ये सब उसके लिए एक ही हैं माय फेवरेट रिस्ट मेरे द्वारा दिए हुए सोने चांदी के उपहार ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स और या तो ये हो ये भी इसके लिए वही है द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट जितना वो मेरे द्वारा दिए हुए ऑर्नामेंट से प्रसन्न होती है उतना ही वो प्रसन्न हो जाती है पश्चिम में छिपते हुए सूरज को देख करके और उतनी ही खुश कब हो जाती है जब एक ऑफिशियस फूल एक चापलूस एक मूर्ख उसको ऑर्चर्ड से फ्रूट गार्डन से एक चेरीज का बंच लेके दे देता है तो भी वो उतनी खुश हो जाती है ये सबसे बड़ी समस्या है द व्हाइट म्यूल सी रोड विद अराउंड द टेरेस द व्हाइट म्यूल और जो मेरी पत्नी थी वो शौकीन थी घुड़सवारी की शी वॉज फॉन्ड ऑफ राइडिंग तो जो शौकीन थी द व्हाइट म्यूल सी रोड विद अराउंड द टेरेस छत पर टेरेस पर जो व्हाइट म्यूल व्हाइट म्यूल के ऊपर सवारी करती थी रोड घुड़सवारी राइड द सेकंड फॉर्म सी रोड विद अराउंड द टेरेस द व्हाइट म्यूल जो व्हाइट म्यूल था खच्चर जो था उस पर बैठ करके जब वो टेरेस पर सवारी करती थी तो भी उतनी खुश हो जाती थी All and each would draw from her alike. ये सभी चीजें all and each प्रत्येक चीज ये सारी चीजें would draw from her alike. उसे समान रूप से अपनी ओर आकर्षित करती थी the approving speech प्रशंसा करने के लिए खुश करने के लिए ये जो सारी चीजें हैं उसको समान रूप से अपनी ओर आकर्षित all and each would draw from her alike. उसे समान रूप से अपनी ओर आकर्षित करती थी या समान रूप से वो उन चीजों से प्रसन्न होती थी और ब्लश एट लीस्ट प्रशंसा करती थी समान रूप से इन सब चीज की और ब्लश एट लीस्ट और प्रसन्नता प्राप्त करती थी उतनी ही प्रसन्न हो जाती थी
दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग, दैट इज द रीजन ऑफ हिज जेलसी. उसकी जेलसी का ये सबसे बड़ा कारण है कि कोई अगर मूर्ख उसे चेरीज का मंच दे दे तो भी उतनी ही खुश होती है, अगर वो म्यूल पर सवारी करे तो भी उतनी ही खुश होती है, छिपते हुए सूरज को देख ले तो भी उतनी ही खुश होती है. जितनी खुश वो कब होती है जब उसके द्वारा आभूषण दिए जाते हैं, ज्वेलरी दी जाती है. इन दीज लाइंस द पोएट डिस्कस द सिंपलिसिटी ऑफ अ लेट वाइफ, सिंपल बिहेवियर ऑफ लेट वाइफ, एंड इन अदर मीनिंग ही डिस्कस द कॉज ऑफ जेलसी. ही सेज दैट, ड्यूक सेज दैट इन हर व्यू ऑल थिंग इज अलाइक, शी बिकम्स हैप्पी इक्वली विद द ज्वेलरी गिवन बाय मी विच सी एडॉर्न ऑन हर लैट ऑन हर ब्रीस्ट एंड द ब्यूटी ऑफ सेटिंग सन मेक्स हर हैप्पी अलाइक. ही सेज दैट, द ड्यूक सेज दैट इफ whenever she visits an orchard, a fruit garden, and if she is offered even a bow of cherries by a sycophant, she becomes happy. In her view, there is no difference between the bunch of cherries and jewelries given by me. She was fond of riding. Whenever she rode on the terrace on the back of the mule, she becomes so happy, so delighted. And all these things with the same pattern, with the same way, attracts her. And she admires and praises all these things equally, without any discrimination. वो समान रूप से इन सब की प्रशंसा करती है, समान रूप से प्रसन्न हो जाती है. उस पर फर्क नहीं पड़ता कि चीज कीमती है या नहीं है. ये दीज लाइंस का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है. इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हम सिस्टमेटिक कराएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. ओके, आगे की लाइंस देखते हैं. देखिए, दिस योर नेक्स्ट लाइन, नाउ टेक अप देम. देयर इज नो डिफिकल्ट वर्ड. ये जो लाइंस हैं इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है. शी थैंक्ड मैन, वो इंसानों को धन्यवाद देती है. गुड, अच्छा है, ये अच्छी बात है धन्यवाद देना. बट थैंक्ड समहाउ, लेकिन वो कैसे धन्यवाद देती है, जिस प्रकार से धन्यवाद देती है, आई नो नॉट हाउ, मुझे नहीं पता वो कैसे धन्यवाद देती है. एज इफ सी रैंक्ड, मानो कि, देखो एनोदर रीजन ऑफ द जेल्स, शी थैंक्ड मैन, वो लोगों को धन्यवाद देती है. गुड, अच्छी बात है धन्यवाद देना. बट थैंक्ड समहाउ, लेकिन वो कैसे धन्यवाद देती है, इसमें थोड़ा हिडन मीनिंग है इन दिस लाइन. देयर इज ए हिडन मीनिंग इन दिस लाइन, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हिडन मीनिंग. वी हैव टू रीड दीज लाइंस बिटवीन द लाइंस. सी थैंक्ड मैन, वो इंसानों को धन्यवाद देती है. गुड, अच्छी बात है धन्यवाद देना.
बट थैंक्ड समहाउ, लेकिन कैसे धन्यवाद देती है, जैसे वो धन्यवाद देती है, ये थोड़ी विचित्र बात है। आई नो नॉट हाउ, मुझे नहीं पता वो किस प्रकार से धन्यवाद दे देती है, ऐसे जैसे वो देती है, एज इफ मानो की, एज इफ मानो की सी रैंक्ड, वह सी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम, सी रैंक्ड वह स्तर देती है, रैंक देती है, अवस्था प्रदान कर देती है, माई गिफ्ट ऑफ 900 ईयर ओल्ड नेम, माई गिफ्ट मेरे उपहार का ऑफ 900 ईयर ओल्ड नेम, 900 वर्ष पुराने मेरे नाम का। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मैंने जो उससे शादी की है तो मैंने मेरे 900 वर्ष पुराना जो लाइनेज है, वंश है, उसका जो वैभवशाली, जो ग्रैंड्योर है, वैभव है, जिसका डिग्निटी है, वो उपहार में उसे दे दी। भाई मैं ड्यूक हूं, मैंने उससे शादी की तो मैंने उसको मेरे 900 साल पुराने जो वंश की साख है, प्रेस्टीज है, उसको उसे गिफ्ट में दे दिया है। और वो मेरे 900 वर्ष पुराने इस प्रेस्टीज को, इस साख को, इस वैल्यू के उपहार की तुलना और उसको बराबर रैंक प्रदान कर देती है किससे, विद एनीबॉडीज गिफ्ट, किसी के भी उपहार से। मैंने उसे कितना बड़ा उपहार दिया, 900 वर्ष पुरानी जो लाइनेज थी उसका नाम उसे दिया और वो बराबर कर देती है किसी के भी छोटे से उपहार से उसको। ये एक और कारण है कि उसने तो उसे इतना बड़ा उपहार दिया, उससे शादी की तो उसको इतना बड़ा नाम दिया, और नाम देने के बावजूद वो जो उपहार हैं, छोटे छोटे जो उपहार हैं, उनसे उनको बराबर कर देती है। Who would stoop to blame this sort of trifling? Who would stoop to blame? कौन झुकेगा उसके सामने? To blame उसे दोष देने के लिए। ये लाइन थोड़ी वैसी है, थोड़ा देखें। Who would stoop to blame this sort of trifling? Trifling तुच्छ mean. Who would stoop to blame? कौन झुकेगा उसके सामने this sort of trifling, इस प्रकार के तुच्छ कार्य के लिए, इस प्रकार के तुच्छ कार्य के लिए। कौन से प्रकार के तुच्छ कार्य के लिए? कि मैं उससे ऐसा करने के लिए मना करूं। Who would stoop to blame this sort of trifling? इस तुच्छ कार्य के लिए कौन उसके सामने झुकेगा, कौन उसे दोष देगा? This sort of trifling, इस तुच्छ कार्य के लिए। She thanked man, good but thanked, वो लोगों को धन्यवाद देती है, अच्छी बात है, धन्यवाद देना चाहिए, but thanked somehow, लेकिन पता नहीं वो कैसे धन्यवाद देती है, I know not, मैं नहीं जानता। As if मानो कि वो ऐसे धन्यवाद देती है, मानो कि she ranked my gift of 900 years old name, कि वो मेरे 900 वर्ष पुराने जो डिग्निटी है, जो प्रेस्टीज है, उसके नाम के उपहार की तुलना कर देती है, समान उसे कर देती है, विद एनीबॉडीज गिफ्ट, किसी के भी उपहार से। हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिपलिंग, कौन होगा ऐसा व्यक्ति, अपने आप से कहता है कि मैं उससे क्यों मना करूं इस काम के लिए, कौन होगा ऐसा व्यक्ति जो इस तुच्छ कार्य के लिए उसे ब्लेम करने के लिए झुकेगा। ओके, द ड्यूक discussing the qualities of duchess says to the envoy, to the messenger, that for the slightest work she thanks anybody, and thanking anybody is a good task, it is good, I don't have any problem, don't have any objection, but the way she thanks to anybody is the most important problem. It is the most problem that she does not discriminate
between the pupil. Dev thinks that she should discriminate. Duchess should discriminate the pupil in thinking. She should give the rank before thanking the pupil. And the Duke says that it is the blow of my dignity to find fault and to say her about that mean things. इस छोटी सी बात के लिए, उससे कहने के लिए वो अपने आप को कैसा मानता है, बड़ा मानता है, वो मानता है कि ये जो उसकी डिग्निटी के बिलो है, बिलो माय डिग्निटी, ये बिल्कुल मेरी डिग्निटी के नीचे है कि मैं उससे छोटी किसी भी बात को कहूं जा करके कि भाई तुम ऐसा करना बंद कर दो. दैट इज अवर टुडेज क्लास. नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट डे होगी. मैं समझता हूँ समझ में आया होगा. इसको एक से दो बार सुना करो. और मेरा पर्सनल ये विचार है कि जो इंग्लिश एक्सप्लेन हम करते हैं उसको एक से दो बार जरूर सुना करो. हालांकि हिंदी भी जितनी अच्छी समझ में आएगी, हम हिंदी भाषी लोग हैं, जितनी हिंदी समझ में आएगी उतना अच्छा एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, और जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी. ओके, तब तक के लिए नमस्ते. बी सेफ, स्टे होम एंड कीप लर्निंग विद अस. थैंक्स.